पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6000 करीब नए केस मिले। एक्टिव केस घटकर हुए 1% और रिकवरी रेट बढ़ा। लखनऊ के लेवाना होटल में लगी आग, 15 लोग किए गए रेस्क्यू, 2 अस्पताल में भर्ती। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने साइरस मिस्त्री के निधन पर जताया शोक। बराक ओबामा ने अवर ग्रेट नेशनल पार्क्स डॉक्यूमेंट्री के लिए जीता एमी अवार्ड। मोहाली में 50 फीट की ऊंचाई से टूटकर गिरा झूला, 10 लोग हुए घायल। दिल्ली के बुधविहार इलाके में मां की हत्या करने के बाद बेटे ने की आत्महत्या। एक्टर कमाल रशीद खान को बांद्रा कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। शेयर मार्केट की सपाट शुरुआत, सेंसेक्स 58,000 पर ओपन और निफ्टी 17,000 के पार। एशिया कप में पाकिस्तान ने भारत को 5 विकेट से हराया, आखिरी ओवर में जीती बाजी।